नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल ग्वालियर से। मैं प्रोफेसर हूं यहां डेंटल कॉलेज में, प्लस आई एम आल्सो द हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा, इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो आफ्टर रूट कनाल ट्रीटमेंट। दांतों की नस के इलाज के बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। जिस दिन आपका दांतों की नस का इलाज खत्म होता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट खत्म होता है, उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो जो आपके डेंटिस्ट ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं वो ज़रूर खाएं, चाहे वो 5 दिन के लिए हुए या चाहे वो 7 दिन के लिए हुए। क्योंकि जब आप रूट कनाल ट्रीटमेंट आपका फिनिश होता है तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है, थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है, तो इसलिए उन मेडिसिन को ज़रूर लें। बट अगर बाई चांस आपको कोई सीवियर स्वेलिंग आती है या पेन अनबेरेबल हो जाता है तो अपने डेंटिस्ट से तुरंत कॉन्टैक्ट करें और उससे जाके चेकअप जरूर करवाएं। जिस दिन आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके बाद 1-2 दिन तक आप गर्म पानी नमक के गरारे करें, वार्म वाटर सॉल्ट के गार्गल करें, तो उससे उस एरिया की हीलिंग अच्छी होती है। और जिस दिन आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट खत्म होता है उसके बाद आप स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से ना करें, लिकर ना लें, अल्कोहल ना लें, क्योंकि अगर ये सारे पदार्थ आप लेते हैं तो जहाँ पे आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है उस तरफ के मसूड़ों की हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद जिस रीजन में, जिस दांत का आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट कराया है उस तरफ के दांत से कुछ दिनों तक, जब तक आपका कैप नहीं लग रहा है, वहाँ से कड़क चीज़ें खाना अवॉइड करें। कड़क चीज़ें मतलब मांस मच्छी हो गया, आपका गन्ना हो गया, आपका पीनट्स हो गई, क्रंची चीज़ें हो गई, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्पेशली अखरोट तोड़ना, पिस्ता तोड़ना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। एक बार जब आपका उसके ऊपर कैप लग सकता है तब आप हर चीज़ खा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, कई बार जब हम रूट कनाल ट्रीटमेंट फिनिश करा लेते हैं तो पेशेंट एक बार कंफर्टेबल हो जाता है, उसका दर्द चला जाता है, उसकी स्वेलिंग सब कुछ बढ़िया हो जाता है, एकदम हेल्दी एंड हार्टी हो जाता है पेशेंट्स, बट वो फिर भी वापस जाके कैप नहीं करवाता है, जबकि डेंटिस्ट ने उसको एडवाइस किया होता है कि उस दांत के ऊपर कैप ज़रूर करवाएं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, जब आप रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और अगर आपके डेंटिस्ट ने एडवाइस किया है कि उस पर कैप होना है तो कैप ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आप कैप नहीं करवाएंगे तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका वो रूट कनाल ट्रीटमेंट करा हुआ दांत फ्रैक्चर हो जाता है। और एक बार अगर वो दांत फ्रैक्चर हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर वो आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप अगली बार रूट कनाल ट्रीटमेंट या दांतों का नस का इलाज करवाएं। रूट कनाल ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एंड नमस्ते।